हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम जर्नल एंट्रीज। देखिए, टीम एंटरप्राइज तो है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इसका ऑनर है टीम। मंथ ऑफ अप्रैल 2017 जो जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हुई या आप कह सकते हैं एंट्रीज हुई, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल में। पहली एंट्री है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी टीम ने अपना बिजनेस, या कह सकते हैं टीम तो ऑनर हो गया, टीम एंटरप्राइज हो गया आपका बिजनेस। दोनों को अलग पर्सन मानना है और आपको टीम एंटरप्राइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है कि बिजनेस में क्या आया। टीम ने पैसा लगाया 5 लाख, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिटेड, एसेट आई तो डेबिट, किससे आई? टू टीम्स कैपिटल, टीम की पूंजी है ये, तो देने वाले को क्या कर देंगे? क्रेडिटेड। लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, तो ये खाता क्या हो जाएगा मेरा? क्रेडिटेड। पैसा आया तो कौन से वाउचर में एंट्री होगी हमारी? तो हमारा ये पैसा बिजनेस के लिए क्या हो गया? रिसिप्ट। 5 लाख से डेबिट और 5 लाख से क्रेडिट, इतनी एंट्री समझ गए। सेकंड एंट्री हमने की 2 अप्रैल की, कि हमने गुड्स खरीदी मोहन से उधार, तो मेरे पास क्या आया? गुड्स आई, और किससे आई? मोहन से। अगर मैं नगद खरीदती तो गुड्स आती और पैसा जाता, तो उधार आई तो गुड्स आई, तो गुड्स आती है तो हम उसको गुड्स नहीं लिखते, उसको हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट, यानी मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा जिसको बिजनेस में मैं सेल करूंगी, यानी जिस प्रोडक्ट में मेरा बिजनेस डील करता है, वो हमारी क्या होती है? बिजनेस के लिए गुड्स। तो गुड्स आई तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, और किससे आई ये गुड्स? मोहन से। तो कौन हो गया इसके अंदर गिवर? मोहन, टू मोहन अकाउंट। 40,000 से डेबिट, 40,000 से क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू मोहन, मोहन का खाता क्रेडिट 40,000। कैसी एंट्री है ये? गुड्स खरीद रहे, परचेज की एंट्री है हमारी। नेक्स्ट एंट्री है हमने स्टेशनरी खरीदी नगद। स्टेशनरी खरीदी तो मेरे पास क्या आया? स्टेशनरी। गुड्स खरीदते तो ही परचेज अकाउंट में जाती है, उसके अलावा मैंने स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी के खाते में जाएगा कि स्टेशनरी आई। मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पर मैंने स्टेशनरी खरीदी नगद खरीदी तो मेरे पास क्या आया? खर्चा आया। कौन सा? स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, और मेरे पास से क्या गया? कैश गया, टू कैश। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड 2,000 से टू कैश, और कौन सा खाता? क्रेडिटेड। कैश क्रेडिटेड क्योंकि एसेट जा रही है 2,000 से। पैसा गया तो कैसी एंट्री हो गई? पेमेंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने एक बैंक में अकाउंट ओपन कराया, यूटीआई बैंक। बैंक में अकाउंट ओपन कराया तो पैसा जमा कराया होगा, तो पैसा कहाँ गया हमारा? बैंक में। रिसीव करने वाला कौन है? बैंक, यूटीआई बैंक डेबिटेड, यानी डेबिट द रिसीवर। किसको पैसा रिसीव हो रहा है? बैंक को 50,000, और मेरे पास से क्या जा रहा है? एसेट जा रही है टू कैश। कैश का खाता क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कैसी एंट्री है? कॉन्ट्रा, यानी आप पैसा बैंक में जमा करवाते हो या निकलवाते हो, उस एंट्री को हम कहते हैं कॉन्ट्रा। इतना समझ गए। नेक्स्ट एंट्री आपकी है कि आपने इसके अंदर गुड्स सोल्ड करी रिया को। गुड्स सोल्ड की यानी आपने गुड्स बेची रिया को। नाम आ गया तो उधार सेल की, अगर लिखा होता गुड्स हमने सेल की रिया को इन कैश नगद बेची, तो यानी आपका कैश में सेल किया आपने, नाम आ गया तो उधार। अब मैंने उधार सेल किया तो पैसा तो नहीं आएगा मेरे पास, तो मेरे यहाँ पर क्या आएगा? पार्टी आएगी, डेबिट द रिसीवर। रिसीव करने वाला कौन है? मैंने गुड्स रिया को बेची तो गुड्स किसने रिसीव करी? रिया ने, तो इसका खाता क्या हो जाएगा? डेबिट। मैंने रिया को क्या किया? सेल। सेल इनकम का खाता है तो इनकम का खाता क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिटेड। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिटेड। कैसी एंट्री है मेरी? सेल की। नेक्स्ट एंट्री, हमने एक चेक रिसीव किया रिया से। चेक आया तो पैसा कहाँ जाएगा मेरा? बैंक में। रिसीव करने वाला कौन हो गया? बैंक, तो यूटीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड। किससे आया ये? गिवर कौन है? यहाँ पर गिवर हो गई रिया, क्रेडिट द गिवर। चेक आया तो पैसा गया बैंक में, यूटीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटेड। किसका खाता? गिवर का, रिया का खाता क्रेडिटेड 25,000। पैसा आया तो कैसी एंट्री हो गई है मेरी? रिसिप्ट, और गया होता तो पेमेंट। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री है, हमने गुड्स सोल्ड करी श्रीनिधि को।
गुड्स बेची, श्रीनिधि को नाम आ गया तो कैसे सेल करी, उधार। तो श्रीनिधि कौन हो गई, पैसा नहीं आया तो मेरे पास पार्टी आई, पार्टी को मैंने क्या किया, सेल। श्रीनिधि हो गई रिसीवर, तो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर, तो श्रीनिधि का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। उसको मैंने सेल की, सेल इनकम का खाता है, इनकम का खाते को हमेशा हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ये हो गया आपका क्रेडिट, ये कैसी एंट्री है हमारी, सेल की। श्रीनिधि ने पे किया 12,000 रुपए कैश, श्रीनिधि ने हमें पैसे दिए, तो हमारे पास एसेट आई, कैश आया, तो कैश का खाता डेबिट किससे आया, गिवर कौन हो गया, श्रीनिधि। श्रीनिधि का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू श्रीनिधि, श्रीनिधि का खाता क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो कैसी एंट्री हो गई है हमारी, रिसिप्ट। इतना समझ गए होंगे आप। इसी के अंदर नेक्स्ट एंट्री हमारी है कि हमने गुड्स खरीदी, 16,000 की गुड्स खरीदी नीतू से, नाम आ गया तो कैसे खरीदी, उधार। गुड्स आई और किससे आई, नीतू से। गुड्स आई तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड किससे आई, नीतू। नीतू कौन हो गई, गिवर। गिवर का खाता क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिटेड। कैसी एंट्री है हमारी, परचेज की। ना समझ गए। इंश्योरेंस का पैसा दिया मैंने चेक से, इंश्योरेंस का पैसा दिया तो इंश्योरेंस का क्या है मेरे लिए, खर्चा। खर्चे के खाते हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। इंश्योरेंस का पैसा दिया, सैलरी का पैसा दिया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस क्या, खर्चा आया, और पैसा कहाँ से गया, बैंक से। चेक से दिया तो आपका बैंक से जाएगा, नगद दिया होता तो आपका कैश में। तो एंट्री होगी यहाँ पर इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड, खर्चा आया। अगर कैश में दिया पैसा तो टू कैश, और चेक से दिया तो टू यूटीआई बैंक। पैसा गया तो कैसी एंट्री, पेमेंट। इसी में नेक्स्ट एंट्री है आपकी कि हमने रेंट दिया कैसे, कैश में, तो खर्चा आया और पैसा गया। कौन सा खर्चा आया, रेंट अकाउंट डेबिटेड, और मेरे पास से एसेट गई तो टू कैश। इतना समझ गए, पैसा गया तो कैसी एंट्री है, पेमेंट। नेक्स्ट एंट्री देखिएगा, हमने पैसा दिया सूरज को, 10,000 रुपए दिए सूरज को, और हमें डिस्काउंट मिला 1,000 रुपए। मैंने सूरज को 10,000 रुपए तो मैं दे चुकी, और उसने मुझे डिस्काउंट दिया 1,000 रुपए, यानी मुझे सूरज को कितना देना था, 11,000। तो मेरे पास यहाँ पर रिसीवर कौन हो गया, मैं पैसा दे रही हूँ सूरज को, सूरज क्या हो गया, रिसीवर। तो इसका खाता क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने देने हैं मुझे सूरज को, 11,000 रुपए। अब मैंने इसको कैश दिया तो टू कैश, मेरे पास से क्या गया, एसेट गई तो क्रेडिटेड। कितने की, 10,000 रुपए दिए मैंने सूरज को, जो नहीं दिया वो मेरे को क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव। ये आपका फायदा हो गया, तो जितनी भी इनकम और गेन होते हो क्या हो गया, आपके क्रेडिट। यदि कैश डिस्काउंट की एंट्री है और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट की एंट्री है, कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। सूरज को पैसा देना है तो पार्टी आई और पैसा गया। सूरज को कितना देना है, 11,000। सूरज का खाता डेबिट 11 से, हमने कैश दिया तो टू कैश 10,000। जो नहीं दिया वो हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, यह हमारी हो गई पेमेंट की एंट्री। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट एंट्री है, यहाँ पर हमें पैसा रिसीव हुआ है और हमने उसको डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मिला तो फायदा, डिस्काउंट का खाता क्रेडिट। डिस्काउंट दिया तो खर्चा, ये हमारा खर्चा हो गया या लॉस लगा लो कुछ भी आप, तो इसका खाता डेबिट। अब यहाँ पर कैश मिला मेरे को 27,000, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 27,000 से। किससे आया ये पैसा, सोहन से, तो सोहन का खाता गिवर है तो क्रेडिट। बट हमने उसको डिस्काउंट दिया 3,000 का, कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, इतना तो आ चुका। जो नहीं, जो डिस्काउंट दिया है तो खर्चा भी मेरे पास आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 3,000 से टू सोहन। किसने दिया ये पैसा, क्रेडिट द गिवर। सोहन को कितना देना था, 30,000, तो उसका खाता क्रेडिट 30,000 से, क्योंकि वो गिवर है। बट आया कितना मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट एसेट आई 27,000। जो नहीं आया तो खर्चा आया, खर्चे का खाता हमेशा डेबिट होता है 3,000। इतना समझ गए, पैसा आया तो कैसी एंट्री है, रिसिप्ट। इतना समझ गए हो गया, थैंक यू।